ख्याल दोबारा बनाई शेयर है। हाँ जी दोबारा, पहले मैं डिलीट करती सी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बने। एनीवे सत श्री अकाल तुहानू ते सारे नू, ताडे ताडे चाचा जी नू ते बेटी किस तरह है हरगुन? हाँ जी वधिया, सुती पई सी। मैं तां ही कहा सी कि मैं 10 मिनट ठहर के कॉल करती हूँ, नहीं उठ जाती। कोई गल नहीं, वी विल डू दिस इन 5 मिनट्स। बेटी तो मेरे ख्याल 1 साल दी होगी ना शायद। हाँ जी हाँ जी, माय 29। 1 साल दी, देखो 1 साल दी बेटी हो गई, कैनेडा है। काफ़ी काफ़ी देर तो देखो आप कोशिश कर रहे थे कि भी उन्होंने पहला चिट्ठी लिखिए। वीज़ा, आई थिंक यू रियलाइज कि वीज़ा वाज एक्सपायर्ड ऑलरेडी व्हेन इट वाज इश्यूड, सो वी वर ट्राइंग यू नो सेंडिंग ईमेल्स टू इमिग्रेशन मिनिस्टर, ऑटवा, न्यू दिल्ली हाई कमीशन वगैरह वगैरह। तो तुम भी शायद तुहानू भी डाउट हो गया सी, तुहाडे चाचा जी या तुहाडे होर फैमिली मैंबर कहते पता नहीं कि मैंबर ऑफ पार्लीमेंट की कर लेगा। याद है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शायद कुछ खास कर लेगा? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने की किया? कैन यू जस्ट डिस्क्राइब, उन्हें कुछ केड़ा स्टेप लिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने? नहीं सर, उन्होंने आए सी भी शायद कुछ दस देंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने जो मैं दस्या उन्होंने उन्होंने मेल भेज दी, इदा इदा होया गा, तो उन्होंने अगो रिप्लाई किया भी तुसी एवें एवें अप्लाई कर सकते हो दोबारा। या देखो देखो, मैं एक चीज इतने क्लेरिफाई कर दिया। एक कई कई क्लाइंट मैंने पूछते हैं कि भाई असी जिस तरह तुम भी मन से डाउट्स कि मैंबर ऑफ पार्लीमेंट या कोई होर है, ये मैं क्लेरिफाई कर चुके हैं, मैंबर ऑफ पार्लीमेंट की कोई पावर नहीं है वीजा इशू से। सिर्फ हाँ जी उन्हें इन्नी जी हो सकती है कि उन्होंने को एक हॉटलाइन होती है, वो एक स्टेटस पता कर सकते हैं, बट ही हैज़ नो एक्स्ट्रा स्पेशल पावर कि उस केस नू अगर जे डिसअप्रूव हो रहा है उन्होंने अप्रूव कर दी है। दे हैव जीरो जिल्च पावर। मैं तो कई बार ये भी एग्जाम्पल देता है कि तुसी मेंबर ऑफ पार्लीमेंट, तुसी प्राइम मिनिस्टर की चिट्ठी करवा लो तो भी कुछ नहीं होना। वीजा वीजा प्रोसेस, वीजा ऑफिसर इज अ टोटल इंडिपेंडेंट स्टैचुरी यू नो अथॉरिटी कि भाई वीजा देने देना, सो दे टेक एनी वे। हाँ क्योंकि जी उन्होंने बार बार ये कह रहे थे ना, तुहाडे जिहड़े मेरे का चाचा जी कह रहे थे कि भाई मेंबर ऑफ पार्लीमेंट तो कुछ हो जाएगा, सो मैं आई जस्ट वॉन्टेड टू लैट हिम नो कि भाई हाँ तुसी जी, तुसी उन्होंने मेरे ते पहला, एफआर। जी हाँ जी नहीं सर पूरा यकीन ना आया नहीं हैगा। उन्होंने पहला आए सी ना भी जेडे वो आ पहला अपनी रिफ्यूजल आंदी सी ता वो दस देंदे सीगे भी की कारण आ। उन्होंने आए सी भी शायद हुण भी रिप्लाई आ जाऊगा, पर नहीं। नहीं, कारण तो सानू पता है, कारण पता करन दी, कारण पता करना तो मतलब ही नहीं है। कारण सानू पता है कि क्यों रिफ्यूज हुआ है, क्योंकि वो उस टाइम उन्होंने जब अप्रूवल कर रहे थे उस टाइम, आई थिंक दिस वाज इन आई डोंट हैव द डेट्स, दिस वाज इन जून और जुलाई लास्ट ईयर, सो हाँ उस जी, टाइम वो वो। पहला जी जदों अपना रिफ्यूज होया सी वो विदिन 2 डेज आपां पता करना सी ना भी क्यों, तो वो कहंदे सी भी फंड प्रॉब्लम आ, जबकि अपने फंड भी पूरे सीगे उदों। जी 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 वो तां लग्या सी भी शायद कुछ दस देंगे, पर उन्हां दस्या ही नहीं। जी जी नहीं, वो तो की दस दें, वो तो उन्होंने को मतलब आई डोंट थिंक दे हैव एनीथिंग, बट एनी वे। सो अपना ईमेल लिखी है काफ़ी, मेरे ख्याल इस चीज़ महीना हो गया शायद, मे बी इट्स बीन 6 वीक्स नाउ। पहला तो जवाब ये 2-3 हफ्ते से कर देंगे सी, हम थोड़ा सा कोविड करके लॉन्ग टाइम हो गया। पर एनी वे गुड न्यूज़ इज दिस कि अज उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजती है कि दोबारा तुम मेडिकल कराओ, दैट मीन्स के दे आर लुकिंग टू गिव द वीजा, दैट मीन्स वी डोंट हैव टू अप्लाई अगेन। उसे एप्लीकेशन में उन्होंने आई एम श्योर के द वीजा विल बी फोर्थ कमिंग। सो मैनू सुखमन ने यह भी दस्या कि वो मेडिकल पहला ही करा चुके हैं शायद। हाँ जी करा लिया ठीक है, मेडिकल दा। बस फिर गल खत्म हो गई। तुसी मेडिकल रिजल्ट मैनू भेज दियो अज ही, मैं हुने ही विदिन 1 आवर अपडेट करके उन्होंने दस देना कि भाई मेडिकल तो हो चुके हैं। इधर नाल तुहानू पता लगता है कि इमीग्रेशन काम किस तरह कर रहा है। देखो इमीग्रेशन नू अज जद ये कल इशू होया है मेडिकल रिक्वेस्ट, उन्होंने यही नहीं पता कि मेडिकल बंदा करा चुका है। तुसी अपने रिकॉर्ड ही चेक कर लो। उन्होंने चार्टर उन्होंने कहा कि भी असी मेडिकल भेज दीए, सो दैट टेल्स यू कि भी मेडिकल यू नो इमिग्रेशन इज नॉट अ फूल प्रूफ ऑर्गेनाइजेशन। वो भी गलती करते हैं, वो भी अनगहरियाँ करते हैं, हाँ पर दैट्स फाइन, डोंट डोंट वरी अबाउट इट। जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो एंड अदर पीपल हु वॉच दिस के यू नो इफ आई टेक अ केस, अगर असी केस ले लिया दैट मीन्स के जब तक केस मुकम्मल नहीं होएगा, इट मे टेक वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम, फाइव टाइम, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, पर मैं क्लाइंट के नाल खड़ा है, मैं हाँ जी उन्होंने रिस्पेक्ट करना है, तो आई विल डू एनीथिंग पॉसिबल टू गेट यू द वीजा, एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू लेट यू नो। कई बार बहुत लाइफ मैं में ट्रस्ट करती हूँ थोड़े ते, मैं कदे भी नहीं कहा भी इन्ना टाइम जा, ते थैंक यू वेरी दिलो मच। थैंक ना हाँ भी तुसी बहुत। वीजा तुहानू लेके देंगे, वीजा तुहानू मिलेगा श्योर। सो जस्ट तुहानू मैं इन्फॉर्म करना सी, मेडिकल रिक्वेस्ट उन्होंने दोबारा खोलती है, तो अच्छा करते हैं, तो
who knows, within within few weeks we'll have the visa. We don't know ke bhi, how long will it take next time, but just about 2 days ago, 3 days ago, we have a new client who arrived. Udi bhi video mein paayi si actually. So people are coming. It's not that people are not coming, and I'm pretty much certain that he will come. मेरे मन च है कि भी बच्ची एक साल दी हो गई, उन्हें हाली तक अपने फादर नु देखा. दिस इज समथिंग दैट पिंचस मी. सो मेरे मेरे मन च है कि भी ताड़ा केस इज नंबर वन प्रायोरिटी. आई हैव मेनी केसेस, बट योर केस इज राइट नाउ नंबर वन प्रायोरिटी फॉर मी. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ गुड मॉर्निंग.